तो चलिए आज बना रहे हैं श्वेता हम सिंधी कढ़ी। सिंधी कढ़ी बना रहे हैं यहाँ पर, तो स्टार्ट करें। सो मैंने 1 टेबलस्पून ऑफ ऑयल लिया है, उसमें 1 स्पून ऑफ जीरा, 1 स्पून ऑफ राई एंड 1/2 टीस्पून ऑफ मेथी दाना, और इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा करी लीव और पिंच ऑफ हिंग, और ये सब हम मीडियम फ्लेम पे करेंगे, स्लो टू मीडियम। इसके बाद मैं डालूंगी, मैंने 1 टेबलस्पून ऑफ बेसन लिया है, उसको मैंने ड्राई रोस्ट ऑलरेडी कर दिया है। ओके, सो वो रोस्टेड बेसन है ये। कितनी देर रोस्ट करना है? 3 to 4 मिनट्स वेरी लो फ्लेम। तो यहाँ जस्ट इसको भी इसके साथ करना है और एकदम स्लो फ्लेम पे अभी। ऑलरेडी इट इज रोस्टेड, सो दिस विल हैपन वेरी फास्ट, ये हो जाएगा। ओके, आप सभी का स्वागत है जायका का तड़का में। हम आए विद द लवली मैम श्वेता शेख के संग आपको दिखाने के लिए। सिंधी कढ़ी बहुत ही टेस्टी होती है, बहुत डिलिशियस होती है, एक बार बनाएंगे बार बार बनाएंगे। इसके बाद हम डालेंगे इसमें, मैंने 3 बड़े टमाटर की खाली प्योरी की है, मिक्सी में घुमाया, वो डाल देंगे और एकदम फास्ट इसको चला देंगे। और फ्लेम? फ्लेम सब लो फ्लेम पे ही अभी रखेंगे। ओके, ये सब लम्स जो है ना उसको ऐसे दबा देंगे सब ऐसे, सो इट बिकम्स लिटिल बिट स्मूथ पेस्ट और उसके साथ मिक्स हो जाएगा अच्छे से। ओके, तो देखिए ऐसे सब कर देंगे और इसमें हम डालेंगे पानी थोड़ा सा, ऑलमोस्ट 1 ग्लास ऑफ वाटर आई हैव एडेड, और अभी फ्लेम हम मीडियम कर सकते हैं। ओके, और देखिए यहाँ पे लम्स, बस इंश्योर करिएगा कि लम्स आपके नहीं आए बेसन के। यस, तो ऐसे ऐसे प्रेस करके उसको अच्छे से प्योरी कर देंगे। देखिए यहाँ पर लम्स हमने निकाल लिए हैं हमारे बेसन के। अभी इसमें हम डालेंगे सॉल्ट अकॉर्डिंग टू द टेस्ट, और इसमें हम डालेंगे 1/2 टीस्पून ऑफ ग्रीन चिली एंड जिंजर का पेस्ट। ओके, और अगर नहीं हो तो हम ग्रेट करके। यस यस, यू कैन ऐड ग्रेटेड आल्सो। ओके, और अभी इसको हम स्लो फ्लेम पे होने देंगे थोड़ी देर के लिए। अच्छा, और जब तक ये हमारा हो रहा है तो आप देख सकते हैं श्वेता ने साइड में भी एक पैन लिया है यहाँ पर, और वो हमने क्यों लिया है श्वेता? इसमें मैं भिंडी को जस्ट फ्राई करूंगी थोड़ा सा हल्के से, 1 चम्मच ऑयल डाल के यहाँ पे भिंडी को हम फ्राई कर रहे हैं। ये 5 से 6 भिंडी है जो हमने गोल गोल काट ली है यहाँ पर, और बस ऐसे थोड़ा सा उसको फ्राई करना है हल्के से। ओके, और ये भी कौन सी फ्लेम पे श्वेता? ये हम मीडियम फ्लेम पे करेंगे इसको। ओके, और तब तक यहाँ देख लेते हैं। हाँ हाँ, इसमें हम थोड़े और मसाले भी डालेंगे अभी। आई विल ऐड हल्दी, पिंच ऑफ हल्दी, 1 स्पून ऑफ रेड चिली पाउडर। ओके, और अभी इसको होने देंगे जब तक इसमें अच्छे से उबाल नहीं आ जाता। यस, जब तक इसमें अच्छे से उबाल, और थोड़ा और पानी डालेंगे क्योंकि इसको थोड़ा सा पतला कंसिस्टेंसी करना है। ओके, सो आई विल ऐड लिटिल मोर वाटर, सो हम धीरे धीरे इसमें पानी डाल देंगे। हाँ, 1 ग्लास पूरा पानी हम डाल रहे हैं। ओके, और अब क्या करेंगे? अभी इसको हम मीडियम फ्लेम पे आराम से 5 to 7 मिनट्स होने देंगे पहले। ओके, और भिंडी भी कितनी देर तक हमें करनी है? भिंडी 3 to 4 मिनट्स। ओके, एंड देन अब हम ये दोनों होने के बाद आपको दिखाते हैं। तो देखिए जब तक हमारे ये हो रहे हैं तब तक हम आपको और भी दिखाते हैं इंग्रेडिएंट्स। बस श्वेता, उससे पहले आई एम क्यूरियस टू नो एंड एवरीवन इज क्यूरियस टू नो, सिंधी कढ़ी आपको कैसे आई? एक्चुअली दिस इज माय कजिन, उनके नेबर रहते, सिंधी फैमिली है, तो उनसे उन्होंने सीख के मुझे बताया था, आई ट्राइड इट होम एंड एवरीबॉडी लव्ड इट, एंड दिस हैज बिकम योर फैमिलीज फेवरेट राइस। एंड सी दिस, यू कैन हैव लाइक अ मील, लाइक उसके साथ पराठा, रोटी, राइस किसी के भी साथ खा सकते, तो बहुत मजा आती है। थैंक्स टू योर कजन्स नेबर फैमिली, देखिए उन्होंने इतनी अच्छी रेसिपी दिखाई। एंड आई थिंक श्वेता, सिंधी कढ़ी में बहुत वेरिएशन होते हैं, हर घर में अलग होते हैं। यस यस डेफिनेटली, सो दिस इज वन ऑफ आवर वेरिएशन जो मैंने सीखा है। हाँ, जो उनकी फैमिली बनाती है और जिनसे श्वेता ने सीखा, तो आप क्या बनाते हैं? अगर आप, आपकी फैमिली में कैसे बनाते हैं? वी वुड लव टू नो द वेरिएशन। और देखने में ये कितनी शानदार लग रही है, जब तक ये बॉईल हो रहा है तब तक हम बात करते हैं। ये क्या है? ये इमली का पानी है, मैंने इमली को भिगा के रखा था और उसका पानी निकाल दिया, तो okay. वो डाल देंगे, इससे बहुत अच्छा खट्टा टेस्ट आता है। ओके, सो ये देखिए 2 बड़ी चम्मच हमने इसमें डाला है इमली का पानी। सी दिस, यू कैन सी नाउ विल स्टार्ट बॉइलिंग।
देखिए धीरे धीरे बॉईल आ रहा है और जब तक ये हो भी रहा है तो हम और इंग्रेडिएंट्स के बारे में भी देख लेते हैं कि क्या करा है। सो ये मैंने बॉईल पोटैटो लिया है, उसको काटा है, ये ड्रमस्टिक है उसको मैंने बॉईल किया है। कितनी देर? उसको जस्ट बाहर 5 to 7 minutes इन वाटर और ये गवार फली है उसको भी मैंने बॉईल कर दिया है। बॉईल कर दिया कैसे करा? मतलब मैंने तो इसको एक कुकर में एक सीटी दे दी। अच्छा, आप बाहर भी कर सकते हो उसको, बट सो इट्स बिकम्स वेरी एंड दिस इज लाइक सो मेनी वेजिटेबल्स गो इन दिस सिंधी कड़ी, सो इट्स अमेजिंग। आई नो, और पर थोड़ा थोड़ा ही है तो आप इसको बाहर कर लीजिए। आप एक पतीले में, हम क्या साथ में कर सकते हैं? कर सकते हैं आप साथ में, ऐसे भी सब सब्जी इसमें ही मिलने वाली है, आप यू हैव टुगेदर एवरीथिंग। सो देखिए ड्रम स्टिक फली ये सब हम एक ही बोल में कर सकते हैं आसान बनाने के लिए। इसको 5 to 7 minutes कर लीजिए। अभी इसको हम अच्छे से उबलने देंगे पहले, अच्छा उबला आएगा तभी हम अपने वेजिटेबल्स डालेंगे इसके अंदर। ओके, एंड फिर हम आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर अच्छे से बॉईल आ गया है, अभी हम अपने सब वेजिटेबल्स डाल देंगे। सो फर्स्ट मैं आलू डाल रही हूँ, बॉइल्ड पोटैटोस, इसमें मैं गवार फली डाल रही हूँ जो भी बॉइल है, और ड्रमस्टिक सब बॉइल है। और ड्रमस्टिक अगर नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। यस यस डेफिनेटली। और ये अपनी भिंडी भी हो चुकी है, बस उसको ऐसा हल्का सा ब्राउनिश कलर टिंच देना है, बिकॉज़ अदरवाइज इफ यू ऐड डायरेक्टली इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम फॉर कुकिंग। ड्रमस्टिक इज अ सुपर फूड, अगर ड्रमस्टिक नहीं भी है तो आप उसको स्किप करके ऐसे भी बना सकते हैं इसको। और मैं थोड़ा सा सॉल्ट डाल दूंगी अपनी सब्जी और सबको बैलेंस करने के लिए। देखिए इतना बढ़िया मजा आ रहा है ऑलरेडी। और इसको किसके संग खा सकते हैं श्वेता? I usually eat with paratha, but it will go nice with chapati also, and even rice you can have. Anything. Very और एक्चुअली आपको तो इतनी मजा आ जाए आप ऐसे भी ले लोगे। वी जस्ट लाइक टू ड्रिंक लाइक दिस ऑल्सो, ड्रिंक लाइक दिस। देखिए Now we have to keep उसको स्लो फ्लेम पे 5 at least 10 minutes तक उबालना है ताकि सब्जी सब अच्छे से मिक्स हो जाए सब। सो नाउ वी लेट इट बॉइल फॉर 10 minutes ऑन अ स्लो फ्लेम। ओके, तो 10 minutes तक होने देते हैं फिर दिखाते हैं। So, देखिए 10 minutes हो गए हैं और देख सकते हैं आप कितना अच्छा लग रहा है, कलर तो और खुशबू भी बहुत ही अच्छी आ रही है। So, now I'll switch off the gas, और इसको हम सर्व कर देंगे। और देखिए गर्मा गर्म आपके लिए ये कड़ी रेडी है, अब इसको आप बनाइए, खाइए, एंजॉय करिए। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करिएगा, जो दिखता है वो ही बनता है जायका का तड़का में। और आप देख सकते हो कितने अंदर वेजिटेबल्स भी है, सो इट इज वेरी वेरी हेल्दी, वेरी हेल्दी, वेरी टेस्टी, वेरी यम्मी, बहुत ही अच्छी लगती है। I'll just sprinkle little धनिया, that's it, it's ready. It's ready, अब ये बनाइए, खाइए, एंजॉय करिए। थैंक यू सो मच श्वेता फॉर अ वंडरफुल रेसिपी। फिर से मिलेंगे आपके संग विद अनदर रेसिपी। थैंक यू सो मच। आप अपने वेरिएशन जरूर बताइएगा हमें कि आप कैसे बनाते हैं सिंधी कड़ी, वी वुड लव टू नो। दिस इज जस्ट वन वेरिएशन दैट श्वेता लर्न्ड। फिर मिलेंगे, बाय बाय एवरीवन, बाय बाय।